Namaste student. In chapter 3 synthetic fiber and plastic. इसमें अभी तक हमने different types के synthetic fiber देखे हैं, जैसे कि rayon, nylon, polyester, acrylic. इन सब की properties और uses के बारे में study किया है कि इनकी क्या properties होती हैं और ये कैसे use होते हैं, कहाँ पर use होते हैं. इसी क्रम में आगे हम study करेंगे characteristics of synthetic fiber. इन जनरल जो synthetic fiber होते हैं, चाहे कोई सा भी सिंथेटिक फाइबर हो, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. इसमें नंबर वन है इजी टू वॉश. कोई भी जो सिंथेटिक फाइबर हो वो वॉश करने में इजी होता है. सेकंड, लाइट वेट. और सिंथेटिक फाइबर लाइट वेट होते हैं, वजन भी हल्के होते हैं. थर्ड, रिंकल रेजिस्टेंट. रिंकल रेजिस्टेंट में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इनमें सल्फेटिक कंपाउंड. ड्राई आउट क्विकली. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो वाटर कम एब्जॉर्ब करते हैं. वाटर कम एब्जॉर्ब करने की वजह से वो ड्राई आउट क्विकली, यानी जल्दी से सूख जाते हैं, ड्राई आउट. फिफ्थ, फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर नेचुरल. अब जो सिंथेटिक फाइबर से फैब्रिक बनते हैं, क्लोथिंग वगैरह, तो वो लास्ट लॉन्ग होते हैं. लास्ट लॉन्ग में उनकी एज ज़्यादा होती है, उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा समय तक जल्दी से बढ़ते नहीं. ठीक, चीपर. इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो दूसरे फाइबर की अपेक्षा, नेचुरल फाइबर की अपेक्षा चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर. अब सिंथेटिक फाइबर से जो क्लोथ बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं, उनकी क्या डिसएडवांटेज है, उनके क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करें. इसमें नंबर वन है, सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर दे कॉज सॉइल पॉल्यूशन. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ये डिग्रेड होते हैं, डिके नहीं होते हैं. इसका मतलब है कि ये सॉइल में मिक्स नहीं, सॉइल में मिक्स ना होने की वजह से ये सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो ये सॉइल पॉल्यूशन का कारण कॉज. सेकेंड, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट एंड बर्न इजी. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या जो उनसे बने हुए क्लोथ होते हैं, फैब्रिक होते हैं, ये जब हीटिंग होती है इनकी तो ये मेल्ट होते हैं. मेल्ट होने के बाद बर्न होते हैं, जलने लगते हैं, इजीली जलते हैं. ऑन बर्निंग सिंथेटिक फाइबर्स श्रिंक फॉर्मिंग हीट विच स्टिक टू द स्किन. जब ये मेल्ट होते हैं, जब हीटिंग होने का मेल्ट होते हैं और बर्न होते हैं, बर्न होने के कारण ये शरीर से चिपक जाते हैं, बॉडी से चिपक जाते हैं, बॉडी से अलग नहीं हो सकते. इसलिए ये जब आ जाता है कि जब किचन में जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, तो उनको कॉटन के क्लोथ यूज करते हैं, ना कि सिंथेटिक क्लोथ. क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ अगर कोई कारण किसी कारण से आगे जाती है तो ये बॉडी से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और शरीर से नहीं हटते हैं. इनको हम अपनी बॉडी से रिमूव नहीं करते, दूर नहीं करते. इसलिए ये कॉटन क्लोथ की अपेक्षा ये नेचुरल फाइबर की अपेक्षा ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. नाउ वी स्टडी अबाउट प्लास्टिक. अब प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है. लाइक सिंथेटिक फाइबर, इट इज ऑल्सो ए पॉलीमर. तो सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी पॉलीमर होते हैं. पॉलीमर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पॉलीमर क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनको मोनोमर कहते हैं, जिनकी लॉन्ग चेन, इन लॉन्ग चेन को पॉलीमर. तो प्लास्टिक भी पॉलीमर. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ पॉलीमर ऑफ मोनोमर. तो जरूरी नहीं है कि सभी तरह की प्लास्टिक जो है उनमें जो मोनोमर का रिप्लेस होता है वो एक सेम टाइप का हो. इन सम टाइप ऑफ प्लास्टिक इट इज लीनियर, वेयर एज इन अदर इट इज क्रोस्टिक. कुछ टाइप की प्लास्टिक में मोनोमर का रिप्लेस लीनियर होता है और कुछ और टाइप की जो प्लास्टिक होती है उनमें मोनोमर का रिप्लेस क्रोस्टिक. तो अब हम इसे करेंगे कि लीनियर रिप्लेस क्या होता है और क्रोस्टिक रिप्लेस क्या होता है. तो लिनियर अरेंजमेंट, लिनियर अरेंजमेंट में मोनोमर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन लिनियर फॉर्म. इस अरेंजमेंट में जो मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से लिनियर फॉर्म में अटैच लिंक होते हैं. जैसे कि मैंने शो किया हुआ है, ये जो मोनोमर्स है ये एक दूसरे से लिंक है. वो क्या बना रहे हैं, एक लाइन स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब मोनोमर्स एक दूसरे से लिनियर फॉर्म में अटैच होते हैं, इसलिए इस अरेंजमेंट को लीनियर अरेंजमेंट ऑफ
सेकेंड है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। क्रॉस लिंक अरेंजमेंट क्या होता है, इसमें मोनोमर्स आर लिंक्ड इन सच ए वे दैट ऑल लीनियर चेंज आर ऑल्सो लिंक्ड टू ईच अदर। तो इसमें मोनोमर एक दूसरे से इस प्रकार से लिंक होते हैं कि वो आपस में तो एक लीनियर चेन बनाती है और ये लीनियर चेन भी आपस में एक दूसरे से लिंक होती है। जैसे ये मैंने शो किया हुआ है मोनोमर्स है, मोनोमर्स एक दूसरे से लिंक्ड है और लीनियर चेन बनाते हैं। इसी प्रकार से ये मोनोमर्स है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है और लीनियर चेन बनाते हैं। तो ये मोनोमर जो है आपस में भी एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्रॉस लिंक अरेंजमेंट कहते हैं।